जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के गांव उटपर के शहीद के नाम पर सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से कुछ वादे तो पूरे हो गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी अधूरे हैं। शहीद विजय के पिता रणजीत सिंह ने नम आंखों से अपनी दास्तां बताते हुए कहा कि सरकार ने वादा किया था कि उनके शहीद बेटे के नाम पर स्कूल का नामकरण होगा और शहीदी गेट बनेगा, लेकिन 2.5 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। इसके अलावा जो शहीद के घर तक सड़क का निर्माण किया जाना था उसका कार्य तो शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ बजरी ही डाली गई। गांव के लोगों ने मांग करते हुए कहा है कि शहीदों के बलिदान के बाद सरकार इस संदर्भ में बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन उन पर कार्यवाही भी जल्द होनी चाहिए। लड़का श्री रंजीत सिंह एक्स उप प्रधान ग्राम पंचायत उटप्पर, इनका लड़का विजय कुमार देश के लिए शहीद हुआ था, तो सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि ग्राम पंचायत उटप्पर में उटप्पर मिडिल स्कूल का नाम शहीद विजय कुमार के नाम से रखा जाएगा, परंतु और आज तक उसके ऊपर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है सरकार की तरफ से। मैं मांग करता हूं कि हमारे देश के लिए शहीद हुए विजय कुमार को जो सम्मान मिलना चाहिए था गांव के बीच में, वो आज तक नहीं मिला है। हम सरकार से मांग करते हैं कि शहीद के नाम से ग्राम पंचायत उटप्पर में एक गेट बनाया जाए और ग्राम पंचायत मिडिल स्कूल उटप्पर का नाम शहीद विजय कुमार के नाम से रखा जाए, लिंक रोड को पक्का किया जाए। उसके हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत, कम से कम इस शहीद हुए कम से कम 2 साल हो गए हैं, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके उचित विचार करके सरकार से प्रार्थना करते हैं कि विजय के नाम से जो देश के लिए शहीद हुआ है उसके नाम से एक गेट बनाया जाए और स्कूल का नाम रखा जाए। धन्यवाद। जय हिंद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।